रहा है ये अपनी सुपरमैन। तो चलिए गाइस बैठते हैं और निकलते हैं और बोलेंगे स्टंटिंग वाले मैन को बारिश में भी चकाई नहीं है। ये रहे अपने जॉनी भाई। चलिए ये देखिए जॉनी भाई का साल योगानी। तो चलिए निकलते हैं गाइस। गाइस आज सुबह से ही बारिश इतनी ज्यादा लगी हुई है तो हम लोग सुबह से ही पबजी खेल रहे हैं। तो अभी हम 10 बजे शुरू हुए थे पबजी खेलने और अभी टाइम वो मेरी घड़ी घर पे रह गई तो अभी टाइम 3:30 के आसपास हो रहे हैं। तो भाई लोग कहते हैं कि बाहर चल के कुछ खाते पीते हैं तो बारिश काफी लगी है तो अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई थी तो मुझे बाइकर बॉयज वालों से फोन आया था कि बाइक आई है एक। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि कौन सी बाइक आई है। तो उनका मुझे फोन आया था, वो कह रहे थे कि बाइक आई है रिव्यू कर लो जरा। तो मैंने सोचा चलो आज कर लेंगे पर सुबह से बारिश लगी हुई थी इसलिए मैं गया भी नहीं। और चलिए अभी थोड़ी बारिश कम है तो चलते हैं और आपको सीधा बाइकर बॉयज वाले के पास मिलते हैं जाकर। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। वैसे इन्होंने अपने R15 वाले भाई ने सेल आईडी बिल्कुल R1 MT करा रखी है तो काफी अच्छी लगती है। पर अभी जो मडगढ़ उन्होंने लगाया हुआ है जब इनका मडगढ़ उतरेगा तो दूर दूर तक सीटें जरूर पड़ेंगी और सबके कपड़े जरूर गंदे होंगे। भाई लोग आज काफी दिन बाद मौसम इतना सेक्सी हो रहा है, इतना सेक्सी हो रहा है कि बारिश में घूमने का इतना ज्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल चिल्ड वाला मौसम हो गया हुआ है। अब हमारा मूड ही नहीं कर रहा कि हम अपलोड कर लिए धर्मशाला की गाड़ी मार के हैं, पर फिर भी जैसे ही बारिश वगैरह कम होगी तो हम जरूर निकलेंगे। इसी मंथ की एंडिंग में देख के बनता प्लान तो निकलेंगे जरूर, पर ये थोड़ी बारिश ना हो, 2 दिन के लिए बारिश रुक जाएगी ना तो बिल्कुल हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, राइड मार के आएंगे। क्योंकि जॉनी भाई कह रहा था कि इस बार जाना ही जाना है। बस जॉनी भाई का कुछ पर्सनल काम है जैसा पड़ा हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा और जैसे ही निकलेंगे। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बाइकर बॉय शॉप पर और ये रहे मनी भाई बाहर ही। तो चलिए उनसे मीटिंग करते हैं और बाइक के बारे में पूछते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम निकल पड़े हैं बाइकर बॉयज की शॉप से। ये रही शॉप, अगर पठानकोट में किसी को भी कुछ काम हो तो मुझे इंस्टा पे DM करिएगा, मैं इनका लोकेशन आपको बता दूंगा। और आज हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि आपको क्या बताएं, राहुल भाई थे नहीं तो फिर हमें उसको उनको कॉल किया, उसके बाद वो कहते कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा तो हमने सिनेमैटिक्स वगैरह ले ली हैं डुगाटी के। तो देखते हैं, क्या पता आपको नेक्स्ट दिन या परसों या कभी भी राहुल भाई जब फ्री होंगे तो आपको डुगाटी के स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे और थोड़ा राइड करने के लिए क्या पता मिल जाए। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने काम पे। तो भाई लोग कह रहे थे कि कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, भूख लगी है दोपहर का, ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया हुआ सुबह से। तो अभी चलते हैं लंच करते हैं और ब्लॉग को करेंगे हम यही एंड। तो ये भाई हमारे साथ पीछे ही जा रहे हैं योग करते हुए और अपना कैमरा दिखाते हुए। तो चलिए चलते हैं, कुछ खाते हैं और ब्लॉग को करते हैं यही है।